पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महासंपर्क अभियान भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान को अलग अलग तरीके से अमली जामा पहनाकर जनता के बीच जाने की भाजपाई पूरी कोशिश में लगे हैं। एक हद तक सफल भी साबित हो रहे हैं। आज मुरादाबाद की देहात विधानसभा में महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आयोजित प्रेस वार्ता के मुख्य अतिथि देहात विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी के मिश्रा रहे, जिन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। के मिश्रा प्रेस वार्ता को संबोधित तो अच्छे से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने सवाल किए तो बस फिर क्या था, पीसी में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं मिले, और जवाब मिला भी तो बस यही कि इसकी जानकारी नहीं है। कभी महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा के द्वारा भी कम नहीं की गई। जब उनसे कहा गया कि आप तो महानगर के अध्यक्ष हैं, आप ही कुछ बताइए, तो अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि आज नहीं, आज तो के मिश्रा जी ही बताएंगे। हालांकि प्रेस वार्ता में 9 सालों के कार्यकाल की सभी योजनाओं को बताया जरूर गया, लेकिन विधानसभा में कितने लोगों को लाभ मिला इसकी जानकारी कोई नहीं दे पाया। महानगर के अध्यक्ष को जानकारी होनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में कितने लोगों को पीएम मोदी और सीएम योगी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हालांकि प्रेस वार्ता में देहात विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी के मिश्रा ने 9 साल की उपलब्धियों को बखूबी अंदाज में बयां किया। जी सर, मेरे पास इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरा आंकड़ा यही लेकर के आपको बताना चाहता कि कितनी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार की चल रही हैं, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं उससे। मैं निश्चित रूप से आपकी बात को आगे चीजें तो सारे लोग जानते हैं। आप एक बार आपकी बात का विषय, आपके जिले में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं किस योजनाओं का, आप कितना जनसंपर्क किए हैं यह बताने। जनसंपर्क के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ आपसे, मैं योगी तक 40 घरों में पहुंचे हैं, तो बहुत हल्का जनसंपर्क है। सर मेरे पास अभी पार्टी की तरफ से 40 लोग हैं, व्यक्ति अपने हिसाब से 40 लोगों की लिस्ट आई है, 40 परिवारों से मेरे परिवार विधानसभा में कितने परिवार है, विधानसभा में तो मेरा ख्याल 6.5 लाख परिवार, तो 6.5 लाख वोट है। कितने दिनों में संपर्क पूरा करेंगे? निश्चित रूप से संपर्क पूरा होगा 3 महीने के अंदर अंदर, व्यक्तिगत रूप से संपर्क पूरा होगा। विधानसभा 2.25 लाख परिवार है लघु विधानसभा, अभी 40 तक पहुँचे हैं 3 महीने में। दो तरह का कार्यक्रम चल रहा है, एक संपर्क से समर्थन और एक घर घर संपर्क। घर घर संपर्क में वो हमारा सामान्य कार्यकर्ता और महानगर की टीम पदाधिकारी दोनों चीजें बताएंगे। घर घर संपर्क में कितना दिन पूरा करेंगे और दूसरा अभियान कितने दिन पूरा करेंगे आपकी? ये जो लक्ष्य है घर घर संपर्क करना, ये 2 माह में निश्चित रूप से पूर्ण होना है पूरी विधानसभा में। अभी आप कभी भी देहात में सिर्फ आप मेडिकल का ही मतलब आवास योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए? वैसे मैं आपकी बात का अनुसरण करूंगा इस बात का, क्योंकि आपके हर पदाधिकारी के पास लिखा होना बिल्कुल, लेकिन क्या है कि ये मंडल वाइज हो, आप सब अवस्था की तरह बात कर रहे हैं कि आपको ज्ञान ही नहीं है। विधानसभा में जो 4 मंडल है सबके आंकड़े मंडलों के पास, सरकार चलाना चाह रही है, ये ज्ञान नहीं है तो दिक्कत है। अब हर क्षेत्र को मालूम होना चाहिए आभारी योजनाओं का लाभ कितने लोगों तक पहुँचा, ये बात अनुकरणीय है। आप कार्ड बने तो कितने बने जिले में, यही आपका दायित्व है। आपका दायित्व जो भाषण आप पढ़े हैं या जो मायने नहीं रखता है सबने जो कहे, तो प्रधानमंत्री जी बोले आप सुनते रहते हैं। साहब एक बात देखिए ना, इसका आप अपना बताइए, मैं उसी बात बिहार विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? देखिए सर, मैं वही बता रहा हूँ आपको, आवास योजना से चाहे शौचालय कितने बने, ये सब सारी चीज आंकड़ा आने की आपके क्षेत्र में कितने बने और कितना संपर्क किया आपने, यह जरूरी है, यही ऊपर विचार पूछा जाए। देखिए ये तो अनुकरणीय है, इसमें तो कोई डिस्कशन का पार्ट ही नहीं, लेकिन जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं एक अस्पताल चलाता हूँ, पहले तो आयुष्मान से बात कर रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अनगिनत परिवारों को व्यक्तिगत रूप से आयुष्मान कितने बने ये पूछ रहा हूँ मैं भाई साहब, हवा हवाई बात नहीं करता। आयुष्मान कितने बने ये तो बताइए। मेरे पास एक निश्चित आंकड़ा वर्तमान में नहीं है। आपको
जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यही तैयारी का सबसे बड़ा होता है, तैयारी करके विधानसभा का जिले वाइज आंकड़ा होता है पार्टी अभियान कराने में सब जिला भी हमारा बटा हुआ है। संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जिससे जन जन लाभान्वित हुआ है, उस योजनाओं का विस्तार और उसका प्रचार करना ही एकमात्र उद्देश्य है कि जो उनकी योजनाएं हैं वो जन सामान्य तक पहुँचें। जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी हैं, यहाँ तक ही उस उद्देश्य की समाप्ति ना हो। जो लाभ लेने के आज भी योग्य हैं उनके पास भी उन योजनाओं का लाभ पहुंचे और वो योजनाओं को ले सकें। आप क्या मानते हैं भेदभाव के ऊपर हटके काम किया गया है? मैं विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें भेदभाव पूर्ण रूप से काम किया गया। कौन सा अभियान चला रहे हैं? आप बता रहे थे कि जन जन तक पहुँचने के लिए अभियान चला रहे हैं। जन जन तक अभियान जितने भी मोदी जी के आज तक की उपलब्धियाँ हैं, जितनी भी उन्होंने लाभ की योजनाएँ जन सामान्य के लिए बनाई हैं, जो आज भी इन योजनाओं से वंचित हैं, हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम उन परिवारों तक पहुंच सकें और उन योजनाओं का लाभ जनसामान्य को दिला सकें। इन 9 वर्षों में कितना सफल कार्यक्रम रहे अगर आपकी आपकी नज़र माने आपकी विधानसभा? मेरी विधानसभा में सबसे सफल कारक प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान कार्ड और राशन वितरण होना, ये सबसे बड़े उपलब्धि है। अच्छा, अभी वर्तमान में जो निगम के चुनाव हुए उसमें सबसे कम पोलिंग परसेंटेज आप ही के क्षेत्र का देहात विधानसभा में रहा, क्या उसकी कोई वजह मानेंगे या 9 वर्ष के कार्यक्रम सफल नहीं हो पाए इसकी वजह? देखिए साहब, जो पोलिंग कम हुआ, पोलिंग का कारण कोई ये नहीं था कि योजनाओं का लाभ जनसामान्य तक नहीं पहुँचा। पोलिंग कम होने के पीछे वोटर लिस्टों की एक बहुत बड़ी समस्या रही कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं थी, उनके ऊपर ध्यान नहीं था, लोग अपना वोट सुबह से रात तक ढूंढते रहे, वॉलंटरी वो लोग वोट डालना चाहते थे लेकिन उनका वोट उनको कहीं नहीं मिला। अच्छा, 24 का भी चुनाव है, इस तरीके का क्या आगे रहेगा? 24 के लिए अभी से हमारी योजनाएं प्रारंभ हो गई हैं कि हम किसी भी रूप में वोटरों के पास तक पहुंच सकें। बूथ अध्यक्ष बूथों को मजबूत किया जा रहा है, मेरा बूथ मेरा सबसे मजबूत, इस योजना के माध्यम से बूथों को मजबूत किया जा रहा है कि जिससे हम अपने वोटर्स के पास तक पहुँच सकें। एक आखिरी सवाल, बूथ मजबूत करने की बात की जा रही है, कार्यकर्ता कितना मजबूत हो रहा है इस पर सवाल जवाब दें? कार्यकर्ता हमारा दिन रात मेहनत करता है और उस कार्यकर्ता की मजबूती की वजह से ही पिछले 9 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री इस देश के सर्वांगीण विकास में दिन रात जुटे हैं और भविष्य में भी कार्यकर्ता और मजबूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।